लेकिन आप मैं सुना सुना था देखिए मैं सारी रात सोया था, आज मैं दिन भर करता मैं शूट सर डायरेक्टर को सुन लीजिए सर माल, आज हम बनाएंगे एक नई चाल चाल देखो मेरी चाल देखो मेरी जैसे है कोई घोड़ा आदमी अगर यहाँ सो गया तो जेसीबी से उठाना पड़ेगा। मेरा जगह पार किसका है? 300 असल में छोड़ गया हूँ। 300 कितने जीरो करोड़ में? ये मोहल्ला हमारा है साहेब। यश चौधरी को देख लो तुम यहाँ पे, ये क्या कर रहा? ये दूसरा गेटअप है सिपाही। ये देखो हकीकत ये है अपने आपको ये सोचे KGF के यश भी धुलवाते हैं, देखो कितना गंदा हो रहा है इसका व्हील वगैरह भी। पाप करने आया हूँ। शॉट कैसे देना है कैसे नहीं। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिन बाद ये वाला बैकग्राउंड देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आज मैंने बहुत दिन बाद शुरू किया है अपने रूम से व्लॉग। तो गाइस मैं फिलहाल नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, और मैं सबसे पहले तो जाऊँगा अपनी गाड़ी देखने। और आज एक काम और है मुझे, रोशन भाई का कल मेरे पास कॉल आया था तो उनके पास जाना है मुझे, कुछ रिकॉर्डिंग करवानी थी। आपने देख लिया होगा यार बाइक के साथ क्या हुआ है, अब पता नहीं कितना टाइम लेंगे कंपनी वाले। तो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त विकेट सिंह। तो गाइस बहुत दिन बाद मैंने इस वाले बैकग्राउंड से व्लॉग स्टार्ट किया, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आज, क्योंकि आज मैं एकदम ऑफिस नहीं गया, मैंने कहा यार चलो आज व्लॉग घर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आज इसलिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं व्लॉग। बाकी गाइस मुझे जाना है रोशिद भाई के पास, और रोशिद भाई के पास से जाऊंगा फिर मैं गाड़ी भी देखने जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी को काफी दिन हो गए तो देखता हूँ कि कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। बाइक का आपको पता ही लग गया होगा बाइक का क्या सीन हो गया अपना, कल का व्लॉग देख लिया होगा आपने। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि अब पता नहीं कंपनी में कितने दिन बाइक रहने वाली है मेरी, कुछ नहीं पता। अब मेरा यार ना मूड सा थोड़ा सा खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब नई गाड़ी में यार जब प्रॉब्लम आ जाती है तो मूड तो खराब होता ही है। और दूसरी बात गाइस, मुझे जो एग्जॉस्ट दिल्ली में नहीं मिले थे ना, तो वो एग्जॉस्ट मुझे देहरादून में मिल रहे हैं। एक बंदा है जिसने मुझे कॉल करके बताया कि भाई हमारे पे कुछ ऐसे एग्जॉस्ट रखे हैं जो कि आपको चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए। तो ठीक है उससे भी बात करूंगा, और हो सकता है कि मैं शादा भाई के पास भी जाऊँ, क्योंकि शादा भाई से भी मुझे दो चार काम है, उनके पास भी जाऊँ। बाकी गाइस ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में देखूंगा क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, और भाई जैसा भी कोई सीन होगा आप लोग देख लेना। पूरे दिन में क्या चलता रहता है क्या नहीं चलता है कुछ नहीं पता लगता, तो व्लॉग के साथ बने रहें और देखते रहें। तो भाई जैसे ही मैं सो के उठा ना, तो मैंने अपना बिस्तर भी सही नहीं किया, ये कंबल वम्बल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यार देखो मेरा फ्लोर देखो कैसा हो रखा है, ये कैसा हो रखा है फ्लोर, इसका फ्लोर का भी कुछ ना कुछ करना है, मतलब मुझे अपने रूम का भी अभी कुछ ना कुछ करना है। मैंने ऊपर से तो सब कुछ सही करवा लिया था ठीक है, लेकिन अभी मुझे नीचे का भी कुछ करना है, और करूंगा कुछ ना कुछ इंतजाम रूम का भी, और अपनी अलमारी का भी पूरा सेटअप करूंगा, या तो बड़ी बनवाऊंगा क्योंकि छोटी रह गई ना अब, तो कुछ बड़ा करेंगे ठीक है, कुछ बड़ा बनवाएंगे। बाकी अभी चलते हैं, और ये मैं नाश्ता वास्ता कर लिया मैंने, चार्जर वार्जर निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था मोबाइल, तो चलते हैं। सो यार गाइस इतने दिन से ना बाइक भी धुलवाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं इधर उधर के काम में उलझा हुआ था, और ऑफिस में भी इतने दिन से काम करवा रहा था, तो इसलिए बाइक पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। कैसे भी धुलवाते हैं, देखो कितना गंदा हो रहा है इसका व्हील वगैरह भी, देख लो आप इसे धुलवाएंगे, और स्क्रैम्बलर की भी हालत दिखाता हूँ अभी आपको, स्क्रैम्बलर बहुत गंदी हो रखी है तो उसे भी धुलवाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि आज इसे पेंट के लिए दे दूँ, जो साइड के विंग्स है इसके वो भी पेंट करवाएंगे। स्क्रैम्बलर दिखाऊंगा आपको बाद में, क्योंकि ताला लगा हुआ है, अभी ताले की चाबी पता नहीं कहाँ पर होगी कहाँ नहीं, तो उसकी बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अंदर खड़ी कर रखी है स्क्रैम्बलर ठीक है, तो बाद में दिखाता हूँ। बाकी अपनी गार्डन की हालत देख लो आप, गार्डन की क्या हालत हो रखी है भाई साहब, इसे कितना ही सही कर लो लेकिन फिर खराब हो जाता है। तो भाई गाइस अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ रोशिद भाई के पास, और भाई रोशिद भाई का तो आपको पता है भाई, टैलेंट के मामले में भाई वो हम ही उससे सीखते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी आता है कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो मुझे आज बुलाया था रोशिद भाई ने, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया था कि रोशिद भाई कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ठीक है, और भाई ये जो भी कुछ करता है ना, बहुत छुपा रोस्तम आदमी, इतना खतरनाक निकल गया मेरा, फिर कसम से मेरा दिमाग घुमा दिया था इसने। तो भाई रोशिद भाई क्या हाल बढ़िया भाई। तो भाई रोशिद भाई के पास आया था, और ये देखो 3R ओरिजिनल, ये अभी नहीं दिखाने के लेकिन इन्हें एड अभी दिखा दे
दिखा देंगे बात तो है कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत दिखा, थोड़ी बहुत झलक दिखा देंगे, ठीक है थोड़ी बहुत झलक दिखा देंगे, अभी नहीं अभी डाल देंगे थोड़ी बहुत झलक। भाई देखो हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट है बहुत धांसू, ये प्रोजेक्ट आपने पहले भी देखा होगा। एक काम करूंगा मैं इस वाले ब्लॉग में इसका लिंक डाल दूंगा तो लोगों को पता भी लग जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं। भाई डिफरेंट लेवल का काम है लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे ना भाई तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आपके बगैर हम नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले इंसान, जब तक आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा ना हमें तो भाई हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात फैक्ट है। तो गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अभी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं रोशिफ भाई बहुत खतरनाक, और मेरा भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, गाना जो मेरा इनकम्प्लीट पड़ा है ना वो वैम्पायर वाला, वो भी रोशिफ भाई बनाएंगे क्योंकि अभी है ही यहाँ पे, तो मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने कहा भाई मेरा गाना शूट करके जाइयो मेरा गाना शूट करे ला भाग जाइयो भाई। तो अभी इसमें हम दिखा दे भाई थोड़ा बहुत इन्हें हल्का फुल्का दिखा देते हैं। बस 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 इतना बहुत है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी सारा कुछ दिखा देंगे ना तो यार मजा नहीं आने वाला। देखो जब कोई चीज कंप्लीट हो जाती है ना तो कंप्लीट होने के बाद जो उसका मजा है ना फिर वो, क्योंकि एक्साइटमेंट खो जाता है, एक्साइटमेंट खोना नहीं चाहिए क्योंकि भाई का वर्क कमाल वर्क करता है भाई, ये कसम से कमाल वर्क करता है। सो गाइस अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ ऑफिस पे और मेरे रूम में अभी कोई और बैठा था तो मैं इसलिए दूसरे रूम में आ गया हूँ। और भाई आज ना कुछ रोशिफ भाई किसी चीज़ का शूट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है उनका तो उसका शूट करेंगे, उसमें कोई कैरेक्टर उन्होंने मुझे भी सोचा हुआ है तो मुझे भी शूट करना पड़ेगा। आज जाएंगे वो घर पे रात में शूट करेंगे तो देखना आप, थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं दिखाऊंगा आपको जो भी शूट वगैरह होगा। बाकी अभी ऑफिस पे बैठते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे बैठते हैं फिर उसके बाद अपनी बाइक वाइक धुलवाएंगे फिर देखते हैं जो भी कुछ करना है। तो ये ड्यूटी टाइम पे ये देखो दोनों मोबाइल में कैसे लगे हुए हैं गाइस ड्यूटी टाइम पे दोनों ने मोबाइल पकड़ रखे हैं और मोबाइल में पता नहीं किससे चैटिंग वेटिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं अपनी सेटिंग के साथ। ये देख लो इनका क्या हाल है भाई साहब। मेकअप आर्टिस्ट का है मेरा। सो भाई अभी रोशिफ भाई आ चुके हैं और अब शूट करना भाई। शूट लोकेशन पे चलते हैं, लोकेशन पे चलते हैं। और एक शूट है भाई हमारा आज, रोशिफ भाई ने कुछ सोच रखा है प्रोजेक्ट तो उसका शूट के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ ये रणवीर है। बहुत पैसे लिए हैं। देख लो भाई 300 असल में छोड़ के आया हूं, 300 कितने जीरो करोड़ में 375 रुपए। अच्छा 300 में करोड़ में कितने जीरो हैं? पैसे काहे के लिए? तो भाई अभी घर से थोड़ा सा कपड़े उपड़े उठा ले और कार्ड उठा ले फिर चलते हैं। दोबारा पार्टी में देखो यार देखे भाई इसकी क्या हालत है, ये शूट से पहले की हालत है भाई। शूट से पहले की क्या हालत है, तो भाई गए अभी अपना ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ ले लिया, ड्रेसअप वगैरह, और भाई दो चार बहुत मजा आ रहा है, फुल नाइट एंजॉय हो रहा है इस एंगल से, नाक लग रहा था। चलो भाई रख लिया मैंने दो कोट रख लिए, तीन कोट ले लिए, ठीक है एक्सेसरीज वगैरह। चलो बस चलो चलो भाई तुम करके आना 5 मिनट के अंदर। चलो 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 और आगे चलो प्रोजेक्ट करने हैं ना। ये फुल नाइट काम सलमान खान की वाली साइकिल आगे छोड़ेगा। चलो भाई चलो यार तुम व्लॉग 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 निकले निकले व्लॉग चल गया। अभी जो सीन दिया था वो कितना बढ़िया था, एक बार और है वो, चलो शूट के बाद, शूट के बाद वो सीन मिलेगा तुम्हें। सुना सुना था भाई अभी चौकी देखी था ना, नहीं देखा चौकी, अभी तो कुछ भी नहीं देखा भाई, स्टे करना पड़ेगा। वही गाइस पूरा सेटअप लग गया अपना शूटिंग वूटिंग का और एक दो शॉट है अपने वो निपटाने हैं, बाकी जब फाइनल निकल के आएंगे जब दिखाएंगे आपको। अभी सेटअप और लगा रहे हैं थोड़ा बहुत, ये फर्स्ट लुक है, ये तो भाई ये फर्स्ट लुक है ऑल ब्लैक और कुछ डार्क शॉट है, और ज्यादा डार्क इतना ज्यादा डार्क नहीं, कुछ ज्यादा डार्क हो जाएगा। ई मोहल्ला हमारा है सिहब।
गाइस प्रैक्टिस चल रही है, अभी प्रैक्टिस करते हैं। उधर अपना ये देखो, ये खड़ा भाई, और उधर राशिद भाई, इधर अपने भाई, और इधर सिपाही। ये मोहल्ला हमारा है साहेब, यहाँ के जुर्मी और यहाँ के सिपाही। ये मोहल्ला हमारा है साहेब, यहाँ के चोर भी हम ही हैं और सिपाही भी। ये मोहल्ला हमारा है साहेब, यहाँ के चोर भी हम ही हैं और यहाँ के सिपाही भी। तो भाई अभी हम शूट के बाद थोड़ा सा शूट करेंगे अभी, लेकिन उधर हुए देखो, यश चौधरी को देख लो तुम यहाँ पे, ये क्या कर रहा। ये दूसरा गेटअप है, अभी दूसरे लुक में अपना करते हैं कुछ, पहले लुक में अभी नहीं किया, वो शूट करने के बाद ही पता लगेगा जो भी कुछ होगा, बाकी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। सेटअप लगा रहे रोशिद भाई, और लाइटिंग वाइटिंग सही करेंगे कि कहाँ लाइटिंग सही रहेगी कहाँ नहीं, फिर सेटअप लगाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या लुक आती है निकल के। क्योंकि मेन जो होता है ना वो सिर्फ यही होता है कि सीन कैसे शूट हुआ है, तो अभी देखते हैं सेटअप बिठाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारे सामने है इशू बॉय बादशाह, नीचे से चलो अबे नीचे नहीं, नीचे से लेना, वैसे ही शॉट लेना, वैसे लेना, वैसे ला दे, मैंने नहीं लिया, ऐसा पकड़ दो। पुण्य करने के लिए तो सारा जहान है, हम पाप करने आया हूँ। डायरेक्टर सोचते हुए शॉट कैसे देना है कैसे नहीं। तो ये हमारे बादशाह जी कोई तो बादशाह जी आपका शूट कैसे चल रहा है? शूट बढ़िया चल रहा है मेरा, मैं सारी रात सोया था, आज मैं दिन भर करता मैं शूट। सो भाई गाइस अभी एक दो शॉट हमने हो चुके हैं, बाकी अभी देख रहे हैं, भाई सोच रहा है कि क्या शॉट लेना है क्या नहीं, बाकी दो तीन शॉट में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, मज़ा आएगा आपको। और भाई देखो मेहनत तो है यार, शूट में बहुत मेहनत लगती है, क्रिएटिव शॉट निकाल रहा है रोशिद ना, बहुत क्रिएटिव शॉट निकाल रहा है, बाकी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद देखना आप कितना मज़ा आएगा। लॉक रेडी एंड एक्शन। मरना तो एक दिन सभी को है, कोई पहले तो कोई बाद, क्यों ना आज ही। मरना तो एक दिन सभी को है, कोई पहले तो खत्म। सो मैं हूँ बादशाह, मैंने किया एक रोल, वो कर दूंगा मैं आज पूरे कमाल। अरे सर, सर डायरेक्टर की सुन लीजिए सर, माल आज हम बनाएंगे एक नई चाल, चाल देखो मेरी, चाल देखो मेरी जैसे है कोई घोड़ा। थासू अभी आगे की ग्रीन स्क्रीन की विजुअल इफेक्ट्स की तैयारी करेंगे, तो आज का शूट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। भाई मैं बताऊं भाई, रोशिद भाई इतने क्रिएटिव माइंड है ना कसम से, इसने जो 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 मेरे ऊपर सूट करता है ना, इसने सेम मुझे वही कैरेक्टर दिया भाई ने, ठीक है। और अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट होने के बाद जब आप इसे देखोगे ना, रोंगटे खड़े होने वाले हैं भाई, बिल्कुल भाई रोंगटे खड़े हो देने वाले हैं भाई, कसम से मजा आने वाला है, क्योंकि मरना तो सभी को है, तो क्यों ना आज ही है ना। भाई देखो हकीकत ये है, अपने आपको ये सोचे KGF के यश, ये देखो, और यहाँ देखो मुझे लोही पकड़े हुए। भाई एक्टरों की यही हालत है भाई, करना पड़ता है क्या करे, क्योंकि भाई देखो सब अपने काम करेंगे ना, जब ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं आगे बढ़ता कोई। असल में मुझे बाहुबली 3 के लिए कहता हूँ। तो भाई फाइनली अपनी शूटिंग वूटिंग डन हो चुकी है, और भाई अब जा रहे हैं घर, ये देखो ये है। तो भाई घर चलते हैं, और शूट वूट डन हो गया, और जब ये कंप्लीट बन के आएगा ना, तो उसकी छोटी सी झलक दिखाऊंगा आप लोगों को, मजा आएगा, ठीक है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं बचा व्लॉग में दिखाने के लिए, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस एक चीज़ और बता दूं यार, मैं आपको यार वो गम मैं भूला नहीं अभी तक, बाइक वाला, कोई नहीं हो जाएगी वो भी सही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा रुक जाओ, फिर और कुछ मजा